बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बॉटनी इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू वेस्कुलर प्लांट्स, जिसमें हम अभी तक आप पढ़ चुके हैं ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स में आपने देखा कि उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ मौजूद नहीं थे, यानी जाइलम फ्लोएम नहीं थे फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। उसके बाद अब जो है वो हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट वीएन ऑफ प्लांटी मैम, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे वेस्कुलर प्लांट्स, जिनमें हम मेजर वीएन पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू वेस्कुलर प्लांट्स में हम बेसिकली ये जनरली आपने इसको स्टडी करना है, ताकि आपको पता हो कि जब हम ब्रायोफाइट्स से टेरिडोफाइट्स की तरफ मूव करते हैं तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। ठीक है, बेसिक डिफरेंस। वेस्कुलर प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो वेस्कुलर प्लांट्स में आपने मेजर जो कंसर्न है आपका वो कंडक्टिंग टिश्यूज़ के साथ है। जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होंगे जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होगा। जाइलम आपको पता है वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इससे पहले ब्रायोफाइट्स में आपने देखा के जितने भी प्लांट्स थे वो मोस्टली टेरिस्ट्रियल तो थे, लेकिन मॉइस्चर में उनका जो सर्वाइवल है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। मॉइस्ट कंडीशन हो तो ही वो सर्वाइव करते, क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन के लिए, उनके सेक्स ऑर्गन्स को, स्पेशली एंथीरोजाइट्स को मूव करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो दोनों तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे थे, इसलिए उन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। यानी लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई फ्रॉम एन एक्वेटिक एनवायरनमेंट मोर देन 3 बिलियन ईयर्स अगो। वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं वो लेट डिवोनियन पीरियड में जो है वो बेसिकली डाइवर्सिफाइड हुए, आज से तकरीबन 345 मिलियन साल पहले ये डिस्कवर हुए इस अर्थ पर। यानी कि बेसिकली इनकी जो ग्रोथ है वो आज से 5 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, फिर इनके आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रिसर्चित होती गई, इनको स्टडी किया गया, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई। ठीक है, तो वेस्कुलर प्लांट बॉडी जो है बेसिकली वेल डिफरेंशिएटेड है इनटू वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी इनके अंदर लीफ रूट स्टेम ये तीनों चीज़ें प्रॉपरली मौजूद हैं। जबकि इससे पहले ब्रायोफाइट्स में आपने देखा कि ये उनकी बॉडी थैलॉइड थी, उनके पास ना रूट था ना स्टेम है, और इसी तरह ना लीफ एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, अच्छा, इनमें जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं वो स्टेम रूट लीव्स हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पोर बेरिंग ऑर्गन्स हैं जैसे कि स्पोरेंजिया। इसके अलावा लेटर ऑन जब आप हायर क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो वो सीड्स भी बनाते हैं और उनमें फ्रूट की प्रोडक्शंस भी होती हैं। ठीक है, स्टेम का जर्नल अगर आप ओवरव्यू लें तो स्टेम आपको पता है वेस्कुलर प्लांट जो जायगोट से निकलता है उसमें लीफ और स्टेम और रूट जो है वो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, जिनमें से स्टेम जो है वो सपोर्टिंग ऑर्गन भी है, कुछ प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक ऑर्गन भी है। यही वो पॉइंट है जहाँ से लीव्स अराइज हो रहे होते हैं। ठीक है, रूट की बात करें तो रूट आपको पता है बेसिकली स्टेम के लोअर पार्ट से अराइज हो रही होती हैं। ठीक है, इनके पास नोड्स और इंटर नोड्स अवेलेबल नहीं होती, ना इनके ऊपर लीव्स लगते हैं। लीफ की बात करें तो लीव्स जो हैं वो जैसे जैसे आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आप देखेंगे स्टार्ट में बहुत ही स्मॉलर लीव्स थे, या आप कह लें जिन्हें स्केल लीव्स भी कहा गया इन सम केसेस, उन्हें हम माइक्रोफिल्स कहते हैं जिनका साइज़ बहुत स्मॉल है। लेटर ऑन जब आप मूव करते हैं थोड़े से हायर प्लांट्स की तरफ तो उनमें माइक्रो और मेगा फिल्स की जो है वो ओरिजिनेशन देखी गई, यानी माइक्रो के साथ मेगा फिल्स भी मौजूद थे, स्मॉल लीव्स भी थे लार्जर लीव्स भी थे। फिर जब आप और हायर प्लांट्स की तरफ मूव करते हैं तो आपके पास सारे मेगा फिल्स यानी कि लार्जर लीव्स जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो गए। तो माइक्रो फिल्स बेसिकली स्मॉल साइज़ के हैं और इनमें अनब्रांच्ड वेन्स मौजूद हैं, सिंगल वेन होते हैं ये, इनमें लीव ट्रेसेस हैं लेकिन लीव गैप्स मौजूद नहीं होते। इनमें साइलोटम आप पहला मेंबर पढ़ेंगे ट्रेडोफाइट्स का, वो इसकी एग्जाम्पल आती है उसमें। मेगाफिल्स की बात करें तो वो लार्जर इन साइज़ हैं, उनमें वेन्स बहुत ज़्यादा ब्रांच होती हैं, लीफ ट्रेसेस, लीफ गैप्स दोनों चीज़ें मौजूद हैं, जबकि स्टेम स्टील जो है वो एग्जिस्ट करती है। स्टील मीन जाइलम फ्लोएम जो है वो एक ख़ास अरेंजमेंट के साथ वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये एवोल्यूशन ऑफ लीफ की हम बेसिकली बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जब हम मूव करते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़ में, तो वेस्कुलर टिश्यूज़ में एज यू नो जाइलम और फ्लोएम बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं।
जाइलम की अगर हम बात करें तो ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि प्रोकैम्बियम से अराइज होता है। फर्स्ट टाइम जब डिवीजन स्टार्ट होती है और जाइलम बनना शुरू होता है तो पहला जाइलम प्रोटोजाइलम कहलाता है जो स्मॉलर इन डायमीटर है। लेटर ऑन वो डेवलप हो जाता है आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ इनटू मेटाजाइलम, ठीक है। और ये पिथ्स जो है वो भी इसके दरमियान में जो है वो डेवलप हुई भी होती है। वैसे अगर हम कहें कि आपने शॉर्टली याद रखना है ब्रीफली कि दो तरह से इनकी ओरिजिनेशन होती है, एक्स आर्च और एंड आर्च। एक्स का मतलब होता है आउटसाइड और एंड का मतलब होता है विद इन। तो वो जाइलम जो के सेंट्रिपिटल ऑर्डर में ग्रो करे, सेंट्रिपिटल मीन फ्रॉम आउटर टू इनर साइड, बाहर वाले सेल्स पहले ग्रो करें फिर ग्रोथ होते होते अंदर वाली साइड पर ग्रोथ हो, यानी बाहर से अंदर की तरफ, तो एक्स आर्च है। एंड आर्च का मतलब है फ्रॉम इन साइड टू आउटर साइड, यानी अगर सेल्स इस तरह से ग्रो करें कि अंदर वाले पहले ग्रो करें फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ सेल्स की ग्रोथ हो रही है तो ये है एंड आर्च मूवमेंट, ठीक है। एंड आर्च ग्रोथ भी हम इसको नाम देते हैं। तो आपने याद रखना जाइलम और फ्लोएम दोनों ही बेसिकली टू टाइप्स में या दो तरह से ग्रो कर रहे होते हैं, एक्स आर्च और एंड आर्च, इनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने जो आज इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप ज़रूर पढ़ें, रीज़न ये है कि ये वैसे तो आपके सिलेबस में इसकी डेफिनेशंस वगैरह नहीं होती, लेकिन इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आगे जितनी भी क्लासेस हैं उनमें स्टील का वर्ड यूज़ किया गया है, और स्टील के साथ साथ फिर ये भी कहा जाता है टर्म्स दी होती हैं कि हैप्लो स्टील है, एक्टिनो स्टील है, लैक्टो स्टील है, इस तरह के टर्म्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस किस्म की स्टील की बात करें। तो सबसे पहले स्टील क्या है, जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं स्टील का, यानी वेस्कुलर टिश्यूज को स्टील कहा जाता है, ठीक है। वेस्कुलर प्लांट्स में ही होगी ये स्टील, इससे पहले ब्रायोफाइट्स के मेंबर में स्टील मौजूद नहीं थी, ठीक है। हमने वेस्कुलर प्लांट्स उनकी स्टील की टाइप की बेस पर क्लासिफाई भी किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली टाइप जो है हमारे पास स्टील की, दैट इज प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील का मतलब क्या है कि जब भी प्रोकैम्बियम से वेस्कुलर टिश्यूज निकलें और वो सॉलिड सिलेंडर की फॉर्म में मौजूद हों, जाइलम के इर्द गिर्द जो है, जाइलम सराउंड करे फ्लोएम को, तो जाइलम के इर्द गिर्द फ्लोएम मौजूद हो, जाइलम सराउंडिंग द फ्लोएम, तो हम उसको प्रोटो स्टील का नाम देते हैं, ठीक है। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ, सबसे पुरानी टाइप है यही स्टील की वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर। सारी रूट्स के अंदर प्रोटोस्टील्स ही मौजूद होती है, यानी आपने याद रखना है कि उनका सॉलिड सिलेंडर होता है, मीन प्रॉपर जाइलम और फ्लोएम दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि सॉलिड सिलेंडर की फॉर्म में, बीच में कोई गैप नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस तरह से वो एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। इसमें इसको हम फर्दर डिवाइडेड करते हैं इंटू थ्री टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले हैप्लो स्टील है, फिर एक्टिनो स्टील है, और देन प्लेक्टो स्टील है। हैप्लो स्टील की बात करें तो हैप्लो स्टील में जाइलम जो है वो प्रोटो स्टील की फॉर्म में मौजूद होगा, राउंड होगा, ठीक है। एक्टिनो स्टील की बात करें, एक्टिनो वर्ड का मतलब स्टार शेप होता है, तो यहाँ पर जो जाइलम सिलेंडर है वो रिजेज और फरो की फॉर्म में, यहाँ स्टार्च लिखा हुआ, इट इज स्टार शेप, ओके। फ्लोएम जो है इट इज सिचुएटेड विद इन द फरोस, ठीक है। इसमें जाइलम और फ्लोएम है लेकिन फ्लोएम फरोस के अंदर मौजूद है और जो जाइलम है वो सॉलिड सिलेंडर है। प्लेक्टोस्टील की बात करें तो फ्लोएम जो है वो डिस्पर्स है अमंग द जाइलम, जाइलम के साथ साथ ही डिस्पर्स फॉर्म में मौजूद है, पैचेस की फॉर्म में मौजूद है। होंगे दोनों इसी तरीके से कि जाइलम अंदर होगा और फ्लोएम बाहर मौजूद होगा, जबकि हर एक के अंदर शेप वेरी कर रही है। हैप्लो में सॉलिड सिलेंडर है, जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर, एक्टिनो स्टील में स्टार शेप्ड है, जाइलम अंदर और फ्लोएम फरोस के अंदर, और प्लेक्टो स्टील में पैचेस बने हुए, यानी जाइलम है इसी तरह से फ्लोएम उसके इर्द गिर्द मौजूद है। डायग्राम में अगर आप देखें तो ये इसकी डायग्राम दी हुई है, इसमें ये सबसे पहले दिखाया हुआ है हैप्लो स्टील, ठीक है। हैप्लो स्टील में आप देख लें यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम मौजूद हैं सिलेंडर की फॉर्म में, ये जो आपको पिंक कलर का शो किया हुआ है डैट इज जाइलम, और इसके इर्द गिर्द ये जो स्काई ब्लू कलर का है ये है फ्लोएम जो सॉलिड सिलेंडर की फॉर्म में मौजूद है। इसी तरीके से ये सेकेंड टाइप देख लें प्रोटोस्टील की, इसमें स्टार शेप है एक्टिनो स्टील, सेंटर में पिंक वाला जाइलम और उसके इर्द गिर्द स्काई ब्लू सारा फ्लोएम है जो फरोज में मौजूद है। प्लेक्टो स्टील देख लें, उसमें पैचेस बने हुए जाइलम पैच की फॉर्म में, उसके इर्द गिर्द सारा जो है
ये जो रिंग की फॉर्म में है, या आप कह लें इसके ऑल्टरनेटिंग पैचेस में फ्लोएम मौजूद है स्काई ब्लू इन कलर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फिर हम मूव करते हैं सेकंड टाइप में, जिसका नाम है साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील में जाइलम और फ्लोएम जो है वो अगेन सिलेंडर की फॉर्म में मौजूद हैं अराउंड अ पिथ। यहाँ पर पिथ भी मौजूद है जो कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। प्रोटोस्टील में आपने देखा कि वहाँ पर कोई पिथ मौजूद नहीं थी, ठीक है। इसको भी हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक्टोफॉलिक और एम्फीफॉलिक साइफोनोस्टील। एक्टोफॉलिक का मतलब है जिसमें फ्लोएम प्रेजेंट है ऑन आउटर सरफेस ऑफ जाइलम, ठीक है, जबकि एम्फीफॉलिक साइफोनोस्टील का मतलब इसमें फ्लोएम आउटसाइड और इनसाइड दोनों जगहों पर प्रेजेंट है जाइलम के इर्द गिर्द। उसे हम सोलेनोस्टील भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये सोलेनोस्टील क्या है कि अगर जाइलम और फ्लोएम इस तरह से मौजूद हो कि फ्लोएम जाइलम के अंदर भी है और बाहर भी है, तो हम उसको हम नाम देते हैं एम्फीफॉलिक साइफोनोस्टील का या सोलेनोस्टील का। लेकिन अगर वो सिर्फ बाहर वाली साइड पर मौजूद है तो वो डैट इज एक्टोफॉलिक साइफोनोस्टील, ठीक है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, ये डायग्राम दी हुई है एक्टोफॉलिक साइफोनोस्टील की। इसमें जो डॉटेड शो किया हुआ ये जाइलम है सारा, जबकि उसके इर्द गिर्द ब्लैक आउटलाइन शो कर रही है फ्लोएम को, यानी फ्लोएम सराउंड कर रहा है जाइलम को, ठीक है। जबकि ये है एम्फीफॉलिक साइफोनोस्टील। एम्फीफॉलिक में अगर आप देखें तो उसमें डॉटेड लाइन शो कर रही है जाइलम को, उसके इर्द गिर्द जो बेसिकली मौजूद है वो है फ्लोएम, ठीक है। जबकि एक और इनर लेयर भी होती है जिसे हम फ्लोएम का ही नाम देते हैं, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसमें फ्लोएम जाइलम के अंदर और बाहर दोनों साइड्स पर एग्जिस्ट करे। जैसे कि ये एग्जाम्पल दी हुई है, ये वाली डायग्राम करेक्ट है सोलेनोस्टील की, फर्स्ट वाली, जिसमें आपको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है जो स्काई ब्लू कलर है वो दोनों साइड्स पर मौजूद है पिंक के। तो ये स्काई ब्लू दोनों साइड्स पर होना फ्लोएम को इंडिकेट कर रहा है, पिंक बीच में मौजूद है डेट इज जाइलम, ठीक है। तो जाइलम अंदर है और दोनों साइड्स पर फ्लोएम मौजूद है, ठीक है। तो ये है सोलेनोस्टील। अच्छा इसके अलावा हम बात करते हैं यू स्टील की। यू स्टील क्या है, जाइलम और फ्लोएम जो है वो डिस्क्रीट बंडल की फॉर्म में भी मौजूद हो सकते हैं। तो उसमें कोलेट्रल बंडल है और बायकोलेट्रल बंडल, ठीक है, जिसे हम यू स्टील का नाम देते हैं। यू स्टील का मतलब ये है कि वो बंडल्स बनाकर है। तो कोलेट्रल में फ्लोएम बाहर है जाइलम के, बायकोलेट्रल में फ्लोएम अगेन आउटसाइड भी है और इनर साइड पर भी मौजूद है जाइलम के, ठीक है। जैसे कि ये यू स्टील की एग्जाम्पल दी हुई है आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में, ये आप देख रहे हैं कि यू स्टील में बंडल मौजूद है, ये बंडल है जिसमें ब्लैक कलर रिप्रेजेंट कर रहा है जाइलम को और बाहर वाइट कलर है फ्लोएम। तो ये बंडल जो है ये कोलेटरल बंडल है, ठीक है। और अगर इसी तरह से हो कि अंदर जाइलम है बाहर भी फ्लोएम है और उस जाइलम के अंदर भी फ्लोएम मौजूद है, तो वो हमारे पास बायकोलेटरल आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपके पास एक इस तरह से बंडल है, इस बंडल के यहाँ पर भी फ्लोएम मौजूद है, इस साइड पर भी फ्लोएम है, और सेंटर में जो है वो जाइलम एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या कहला रहा है, बायकोलेटरल बंडल, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेसिकली स्टडी करते हैं स्टील्स को। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो ए टेक्टो स्टील भी है एक टाइप। ए टेक्टो स्टील में बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स हैं, ठीक है, जो थ्रू आउट द लिविंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। डिक्टियो स्टील है एक, ये कंप्लीट नहीं होती और इसमें हम कहते हैं कि बेसिकली लीफ गैप या स्पेसेस मौजूद होती हैं जहाँ से लीफ अराइज हो रहे होते हैं, तो इसीलिए हम इसको डिक्टियो स्टील कहते हैं। डायग्राम अगर आप देखें तो ये ए टेक्टो स्टील की डायग्राम है। ए टेक्टो स्टील में आप देख लें बहुत सारे बंडल्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ये, ठीक है, लिविंग टिश्यू में। और ये वाली डायग्राम जो है ये डिक्टियो स्टील के, डिक्टियो स्टील में देख लें ये बीच में गैप्स हैं, थ्रू आउट नहीं है जाइलम फ्लोएम। ये गैप्स किसको इंडिकेट करें कि यहाँ जाइलम और फ्लोएम इनके दरमियान में से लीफ गैप्स हैं, और ये लीफ गैप्स लीव्स को अराइज करने में हेल्पफुल होते हैं। ये यू स्टील की भी डायग्राम है जो बंडल की फॉर्म में उन्होंने शो की थी। तो ये सारा जो है ये टाइप्स ऑफ स्टील हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, और इन सम केसेस ये इसलिए पढ़ाया जाता है आपको कि आपको सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर लीफ ट्रेसेस और लीफ गैप्स भी दिए हैं। आपको पता होना चाहिए, हम अभी तक लीफ गैप्स की बात करें तो लीफ ट्रेसेस क्या हैं। ब्रांचेस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टू लीव्स आर नॉन एज लीफ ट्रेसेस। जहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं जाइलम और फ्लोएम की, लीव्स के अंदर वो हैं, ठीक है। जबकि वो पॉइंट्स जो वेस्कुलर सिलेंडर को इंटरप्ट करते हैं, दीज आर नोन एज लीफ गैप्स। जहाँ से लीव्स निकल रहे होते हैं, ये गैप्स जो है समटाइम पैरेन्काइमा सेल्स ही फिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि लीव्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम की ब्रांचेज जा रही होती है थ्रू विनेशन। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये डायग्राम बनी भी हुई है, ये ब्रांच है, स्टेम है, इसी ने जाइलम फ्लोएम रन कर रहा है। जाइलम फ्लोएम लीव में भी तो एंटर हो रहा है, वो जो है वो लीफ ट्रेस है। जबकि वो पॉइंट जहाँ से लीफ अराइज हो रहे हैं, वो लीफ गैप कहलाता है। तो ये ओवरऑल टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने वेस्कुलर टिश्यूज़ के हवाले से स्टडी करनी होती है। अच्छा, मूविंग टुवर्ड आर नेक्स्ट टॉपिक, जब हम बेसिक पढ़ने लगे हैं, वो बेसिक टर्मिनोलॉजी है टेरिडोफाइट्स की, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में एज यू नो कि हम सारे जो है वो जर्नल करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स भी हम जनरली सबसे पहले पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट्स में आपको पता है हम इन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स का नाम भी देते हैं। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं? दीज आर असेंबलेज ऑफ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स दैट हैव सक्सेसफुली इन्वेडेड द लैंड एंड रिप्रोड्यूस बाय मीन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स बनाकर रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये सीडलेस वेस्कुलर प्लांट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये टेरिडोफाइट्स क्या हैं। दीज आर वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, और वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स क्या हैं? ये सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी कि ये सीड्स नहीं बनाते, ठीक है। जाइलम फ्लोएम यहाँ पे मौजूद है। इनको हम टीरोन वर्ड का से निकला है, ग्रीक वर्ड फीदर है उसका मतलब। और क्योंकि इनके जो फ्रॉन्ट्स हैं, इनके जो लीव्स हैं, वो फीदर लाइक पिनेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनमें भी दो जनरेशन है, गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। दोनों ही इंडिपेंडेंट मेच्योरिटी पर हो जाते हैं। स्पोरोफाइट आपको पता है वो स्पोरेंजिया डेवलप करेंगे, गेमिटोफाइट ने गेमिट्स बनाने हैं। और हम इनको क्लासेस में डिवाइड करते हैं, चार क्लासेस हैं इनकी, साइलोफाइट्स, लाइकोपोड्स, हॉर्सटेल और फर्न्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो आपने याद रखना है कब ओरिजिनेट हुए, डिवोनियन एरा में फ्लरिश होना शुरू हुए ये। और इनकी जो प्लांट बॉडीज थी अर्लीस्ट जो थे टेरिडोफाइट्स, वो रूट लेस, उनके पास रूट्स अवेलेबल नहीं थे। हाँ, लीफ लेस भी थे, यानी आप देखेंगे कि उनके अंदर लीफ भी मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो ओरिजिनेट हुए थे ब्रायोफाइट से। तो लीफ और रूट्स नहीं थे, लेकिन स्टेम उनके पास अवेलेबल था। उनमें कुछ एग्जाम्पल्स आप पढ़ेंगे साइलोफाइट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना, दो लिविंग टेरिडोफाइट्स हैं, साइलोटम और मैसीटेरिस, ठीक है। ये जो साइलोटम है और मैसीटेरिस है, ये दोनों ही लिविंग टेरिडोफाइट्स आते हैं। इसमें टी भी साइलेंट और पी भी साइलेंट है, साइलोटम और मैसीटेरिस, ठीक है। तो ये जो है वो लिविंग टेरिडोफाइट्स के अंदर क्लासिफाई किए जाते हैं। इसके अलावा लाइकोपोड्स में आप पढ़ेंगे लाइकोपोडियम्स लेजिनेला, स्फिनोप्सिडम के मेंबर में आप इक्विसिटम पढ़ेंगे, और फर्न्स में आप एडियंटम, फर्न्स के अंदर जो है वो आप बहुत सारी फर्न्स पढ़ते हैं, लाइक एडियंटम हो गया, ठीक है, मार्सीलिया हो गया। तो जनरल अकाउंट में हैबिटेट इनका वही है, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट है, लेकिन ये मॉइस्चर या ऐसी जगह जहाँ शेड अवेलेबल हो वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करते हैं। एक्वेटिक हैं इनमें से कुछ कुछ, एपिफिटिक हैं यानी जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं। प्लांट बॉडी में अब पहले आपने देखा था ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट जनरेशन थी गेमिटोफाइट, लेकिन अब प्लांट बॉडी में जो डोमिनेंट जनरेशन है दैट इज स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, उनके पास रूट स्टेम लीव्स मौजूद हैं, लेकिन जो अर्लियर प्लांट्स हैं उनके अंदर ना रूट्स थी और ना ही लीव्स थे, यानी कि वो रूटलेस और लीफलेस और फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स थे, ठीक है। अर्लियर प्लांट्स में आप देखेंगे डायकोटमस ब्रांचिंग भी एग्जिस्ट करती है। डायकोटमस ब्रांचिंग वो ब्रांचिंग है जो आपको मैंने पहले भी बताया है कि इस तरह मेन स्टेम इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, फिर इसकी भी आगे से दो ही ब्रांचेज होंगी। जितनी भी ब्रांचेज आगे से निकलेंगी सबकी दो दो ही पार्ट्स होंगे, तो इन्हें हम कहते हैं डायकोटमस ब्रांचिंग, ठीक है। साइलोटम और मैसीटेरिस इनमें से लिविंग हम पढ़ चुके हैं। स्टेम की बात करें तो स्टेम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम है, जहाँ से वो ओरिजिनेट किया होता है, टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं। डायकोटमस ब्रांचिंग है जो कि एग्जिस्ट कर रही है, और आप क्लियर कट देखेंगे साइलोटम में ऐसी ब्रांचेज जो है वो होती हैं।
या फिर समटाइम मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है। मोनोपोडियल का मतलब है कि वो ब्रांचेस जो लेटरल डिस्टेंस के ऊपर मेन शूट पे से डेवलप हो रही थी, जैसे एक ब्रांच है आगे से एक और निकल आई है तो वो मोनोपोडियल। लीव्स उसी तरह से माइक्रोफिल्स हो सकते हैं, स्मॉल लीव्स सिंपल वेस्कुलर टिश्यू के साथ सिंगल वेंड होते हैं, जबकि मेगाफिल्स हो सकते हैं जिनमें लार्ज लीव्स होते हैं और टू और मोर वेन्स जो है वो उनमें एग्जिस्ट करती हैं। लीव गैप्स और लीव ट्रेसेस भी समटाइम मौजूद होते हैं, ठीक है। लिग्यूल मौजूद होते हैं, लिग्यूल का मतलब है डेट इज आउट ग्रोथ, जो कि लीव्स के नीचे से स्केल लाइक होगी, लीव्स के नीचे या स्टेम पे से लीव्स के नीचे अराइज हुई भी होगी, उसको हम नाम देंगे लिग्यूल का। ये सारी जर्नल टर्म्स आपने याद रखनी है। ओरिजिन ऑफ लीफ एक टॉपिक आप पहले भी पढ़ते थे, उसके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद करने। वन इज ओवर टॉपिंग, सेकेंड वन इज प्लेनेशन और थर्ड वन इज वेबिंग, ठीक है। कि लीफ कैसे अराइज हुए, लीफ अराइज हुए थे हम, आप इसका पहला मेंबर जो पढ़ेंगे वो है साइलोटम, और साइलोटम में आप देखेंगे कि उनके अंदर कोई भी लीव्स मौजूद नहीं है, या लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें हम स्केल लीव्स कहते हैं, उनके पर रूट्स भी नहीं है, वो रूटलेस और स्केल लीफलेस प्लांट्स हैं। इसके बाद जब हम मूव करते हैं स्लेजिनेला की तरफ अगले ग्रुप में, तो वहां पर आप देखते हैं कि वहां से लीफ अराइज हुआ, वो किस तरह हुआ, थ्रू ओवर टॉपिंग। ओवर टॉपिंग की बात करें तो ओवर टॉपिंग जो है वो उसके अंदर बेसिकली जितनी भी ब्रांचेज हैं लीव्स की वो एक खास जो है वो ब्रांचिंग होती ही चली जाती है, ठीक है। अनईक्वल डायकोटमस ब्रांचिंग हो रही होती है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ओवर टॉपिंग, ठीक है, उसमें अनईक्वल ब्रांचिंग हो रही है। फिर नेक्स्ट वन जो लीफ की अरेंजमेंट में, लीफ के ओरिजिन में नेक्स्ट पार्ट है दैट इज प्लेनेशन। प्लेनेशन का मतलब क्या है कि ये जो लेटरल ब्रांचेज हैं वो फर्स्ट डायकोटमसली ब्रांच थी, अब वो एक खास सिंगल प्लेन के अंदर अरेंज हो जाती है, जिसे हम प्लेनेशन का नाम देते हैं, एक ही प्लेन में उनके अरेंजमेंट है। थर्ड वन है वेबिंग। वेबिंग का मतलब क्या है, वेबिंग में उसी तरह से वेबिंग को आप फ्यूजन भी कह सकते हैं कि उनके इर्द गिर्द पैरेन्काइमेटस टिश्यूज बन जाते हैं, ठीक है, जिससे वो फ्यूज हो जाती हैं, तो ये डायकॉटमस विनेशन कहलाती है, रेटिकुलेट पैटर्न की फॉर्म में उसमें होती है अरेंजमेंट, तो ये क्या कहलाता है, डैट इज वेबिंग। ये आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर पहला स्टेप जिसमें डायकॉटमस ब्रांचिंग हो रही है बहुत सारी, ये कहलाती है ओवर टॉपिंग। ये देखें यहाँ भी डायकॉटमस, इधर भी और इधर भी ब्रांचिंग हो रही है, ये फिर एक प्लेन में अरेंज हो गई है एक सिंगल प्लेन के अंदर, इसको हमने नाम दिया प्लेनेशन का। उसके बाद हुई वेबिंग। वेबिंग के अंदर आपने देखा यही जो डायकॉटमस ब्रांचिंग थी इनके इर्द गिर्द ये पैरेन्काइमा सेल्स बन गए, पैरेन्काइमा टिश्यूज जिन्होंने इसको कवर कर लिया, और ये जो है ये क्या कहला रही है, डैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट विनेशन, ठीक है, और बाहर क्या बन गया, वो उसका लीफ का लेमिना बन, यानी लीफ ओरिजिनेट हो गया। तो ये तीन स्टेप है, ओवर टॉपिंग, प्लेनेशन एंड वेबिंग, ठीक है। फिर आप देखते हैं इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद हैं, रूट अगर तो स्टेम से अराइज हो रही हैं तो वो एडवेंटिशियस रूट्स होंगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे मोस्टली राइजोम एग्जिस्ट करता है जो कि अंडरग्राउंड स्टेम है, उनमें से जो रूट्स अराइज हो रही हैं वो एडवेंटिशियस हैं, ठीक है। लेकिन समटाइम्स लेजिनेला में राइजोमॉर्फ भी हैं। राइजोमॉर्फ का क्या मतलब है, ये रॉप लाइक स्ट्रक्चर है जो आपने जैसे फंजाई में पढ़े थे, रूट्स अरेंज होकर रॉप लाइक स्ट्रक्चर, उनके हाइफी अरेंज होकर रॉप लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पर रूट्स अरेंज होकर रॉप लाइक स्ट्रक्चर बना रही है राइजोमॉर्फ। वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम फ्लोएम हैं, ठीक है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू से ही अराइज हुए हैं जो वेस्कुलर कैम्बियम बनाते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल होगी थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, इसीलिए स्पोरेंजिया उनके अंदर बनते हैं, ठीक है। तो स्पोर्स आपने याद रखना स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोरेंजिया का साइज भी वेरी कर सकता है, स्ट्रक्चर भी और डेवलपमेंटल मेथड भी उसका वेरी करता है, ठीक है। फिर हेट्रोस्पोरी यहाँ ऑब्जर्व की गई। हेट्रोस्पोरी का मतलब दो तरह के लीव्स हैं, माइक्रोफिल और मेगाफिल, तो ये दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रोफिल्स अरेंज होकर माइक्रोस्पोर्स, और क्योंकि वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, और मेगाफिल्स माइक्रो मेगास्पोरेंजिया डेवलप करते हैं, और मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर्स बन रहे होते हैं, तो दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रो और मेगास्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमिटोफाइट पर होगी, सेक्स ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स जो है वो उसी तरह से दो होंगे, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, जो प्रोथैलस के ऊपर अरेंज होंगे। गेमिटोफाइट एक्सोस्पोरिक भी हो सकता है और एंडोस्पोरिक भी। एक्सोस्पोरिक जो फ्री लिविंग है डैट इज नॉट इनक्लोज्ड बाय अ स्पोर वॉल,
एंड उसमें गेमिटोफाइट ज़्यादातर मोनोइशियस होते हैं, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही गेमिटोफाइट पर होते हैं, कि थैलस पर। एंडोस्पोरिक हो सकता है जिसमें गेमिटोफाइट इनक्लोज होगा स्पोर वॉल में, और वो ज़्यादातर डायोशियस होता है। सेक्स ऑर्गन उसी तरह दो है, मेल गेमीट फ्लेजिलेटेड होगा, मूव कर सकता है, मोटाइल होगा, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गेमीट नॉन मोटाइल होगा, पैसिव होगा, और उसे हम एग सेल का नाम देते हैं। ठीक है, इसमें इसी तरह एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया एग्जिस्ट करेंगे, स्ट्रक्चर भी उनका सेम है। ठीक है, एंथ्रीडिया के इर्द गिर्द जो है वो जैकेट लेयर ऑफ सेल होगी, जो स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, बायोफ्लेजिलेटेड स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे, और आर्चिगोनिया जो है वो बेसिकली उसी तरह नेक कैनाल सेल्स होंगे, नेक बनाएंगे, वेंटर कैनाल सेल्स होंगे, वेंटर बनाएंगे, और बीच में एग सेल मौजूद होगा। ठीक है, यहाँ एक टर्म दी हुई एपोस्पोरी। एपोस्पोरी का मतलब है ये प्लांट की वो एबिलिटी है स्पोरोफाइट की, जिसमें प्लांट ऐसे लगता है कि जैसे वो गेमिटोफाइट की तरह है, लेकिन वो होता स्पोरोफाइट है, इसको हम एपोस्पोरी का नाम देते हैं। ठीक है, और एक टर्म है एपोगैमी। एपोगैमी है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जब भी कोई फुली प्लांट डेवलप होता है डायरेक्टली फ्रॉम अ बर्ड, तो उसको हम नाम देते हैं एपोगैमी, यानी ए सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें बर्ड से प्लांट डेवलप हो रहा है। और एपोस्पोरी में स्पोरोफाइट प्लांट का ऐसे लगेगा कि जैसे गेमिटोफाइट है, हालांकि वो ओरिजिनली क्या है, वो स्पोरोफाइट होगा। ठीक है, तो उसको हम एपोस्पोरी का नाम देते हैं। ये दो टर्म्स हैं जो यहाँ आपने डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये ओवरऑल टेरिडोफाइट्स के जो है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब नेक्स्ट, फिर हम इसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट मेंबर, दैट इज साइलोटम। ठीक है, ये हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।